ओम सूर्याय नमः। पौष मास महात्म्य की सूर्य भगवान की कथाओं की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। आदित्य लोक में भगवान सूर्य साकार रूप में विद्यमान है। वे रक्त कमल पर विराजित है और उनका वर्ण हिरणमय है। उनकी चार भुजाएं हैं, जिनमें से दो हाथों में वे पद्म धारण किए हुए हैं और दो अभय तथा वर मुद्रा में सुशोभित है। सूर्य भगवान सात घोड़ों के रथ पर सवार हैं और गरुड़ के छोटे भाई अरुण उनके रथ के सारथी हैं। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा बड़ी ही रूपवती थी। उनके अन्य नाम रागी, घो, त्वष्टि, प्रभा तथा सुरेणु हैं। संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य के साथ हुआ था। संज्ञा बड़ी ही पतिव्रता थी, लेकिन सूर्य भगवान के तेज को सहन नहीं कर पाने के कारण संज्ञा वन में जाकर तपस्या करने लगी ताकि उनमें सूर्य भगवान के तेज को सहन करने की शक्ति आ सके। संज्ञा से सूर्य भगवान की तीन संतानें उत्पन्न हुई, मनु, यम एवं यमी। तीन संतानों के उत्पन्न होने के बाद सूर्य के तेज को सहन न कर सकने के कारण अपने ही रूप, आकृति तथा वर्ण वाली अपनी छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर वह अपने माता पिता के घर चली गई। जब पिता ने उसे पति गृह जाने के लिए कहा तो वह उत्तर कुरु देश चली गई। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उसने अश्विनी अर्थात मन के समान गति वाली घोड़ी का रूप धारण कर लिया और अपनी शक्ति वृद्धि के लिए कठोर तपस्या करने लगी। सूर्य के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। छाया का दूसरा नाम विशुभदा है। उसके सभी अंग, बोलचाल, आकृति संज्ञा के जैसे ही थी, इसलिए सूर्यदेव को यह रहस्य ज्ञात ही नहीं हुआ कि यह संज्ञा नहीं छाया है। सूर्यदेव ने भी छाया को अपनी पत्नी समझा और उनसे उन्हें चार संतानें सावरणी मनु, शनि, तप्ती और विष्ट्री यानी कि भद्रा उत्पन्न हुई। छाया अपनी संतानों को अधिक प्यार करती थी और वैवश्यत मनु, यम तथा यमी का निरंतर तिरस्कार करती रहती। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र मनु ने तो सहन कर लिया, लेकिन उनके छोटे भाई यमराज यानी कि धर्मराज सहन नहीं कर सके। यह विषमता अंत में इतनी बढ़ गई कि उसने विवाद का रूप धारण कर लिया और विधाता का विधान तो देखिए, बहुत ही जल्दी छाया के विषमतापूर्ण व्यवहार का भंडाफोड़ हो गया। एक दिन यमुना और तप्ती में विवाद हो गया। एक दूसरे को श्राप देकर वे नदी बन गई। इस पर छाया ने यम को प्रताड़ित किया। दुखी होकर यमराज ने छाया पर पैर उठाया, जिस पर छाया ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरे ऊपर चरण उठाया है, इसीलिए यदि तुम मेरे शाप से कलुषित अपने पैर को पृथ्वी पर रखोगे तो उसे कीड़े खा जाएंगे और तुम शीघ्र ही प्रेतों के राजा हो जाओगे। तुम्हारा प्राणियों के प्राणों की हिंसा करने का विभत्स्य कर्म तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे। छाया के श्राप से व्याकुल होकर यमराज ने अपने पिता सूर्य से कहा कि यह हम लोगों की माता नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो वह निरंतर हमें तिरस्कृत करती है, यमी को भी मारती है, वहीं दूसरी ओर सावरणी मनु, शनि, तप्ती व विष्टि को अधिक प्यार करती है। यदि हम सभी बहन भाइयों में समान दृष्टि और समान व्यवहार नहीं रखती है, मेरे द्वारा दुखी होकर पैर उठाने पर उसने मुझे गिर जाने का श्राप दे दिया। एक माता का अपने बच्चों को ऐसे श्राप देना कभी संभव ही नहीं है। संतान माता का कितना भी अनिष्ट करे, किंतु वह अपनी संतान को कभी श्राप नहीं दे सकती। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। भगवान सूर्य ने क्रोधित होकर छाया से कहा कि यह तुमने उचित नहीं किया। अपनी संतानों में से कुछ से प्रेम करो और कुछ से द्वेष करो। माता के लिए तो सभी संतानें समान होनी चाहिए। भगवान सूर्य यम देवता को मिले श्राप से दुखी हुए। उन्होंने अपने तपोबल से इसका सुधार किया, जिसके बल पर आज यम धर्मराज के रूप में पाप पुण्य का निर्णय करते हैं और स्वर्ग में उनकी प्रतिष्ठा है। भगवान सूर्य ने यम से कहा कि सभी पापों का निदान है, किंतु माता का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारा पैर नहीं गलेगा। केवल इसके लघु कण के बराबर मांस और रुधिर लेकर कृमि गण पृथ्वी पर चले जाए तो इससे माता का श्राप सत्य होगा और तुम्हारे पैर की भी रक्षा हो जाएगी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम लोकपाल के पद को प्राप्त होगे। तुम्हारी बहन यमुना का जल गंगा जल के समान पवित्र होगा और तप्ती का जल नर्मदा जल के समान पवित्र माना जाएगा। आज से छाया सब देहों में अवस्थित होगी। कुपित सूर्य छाया के पास पहुंचे और उनके केस पकड़कर पूछा कि तुम सच सच बताओ कौन हो। कोई भी माता अपने पुत्र के साथ ऐसा नीच व्यवहार नहीं कर सकती।
यह सुनकर भयभीत छाया ने सूर्यदेव के सामने सारा रहस्य प्रकट कर दिया कि मैं छाया हूँ, मैं संज्ञा नहीं हूँ। सूर्यदेव छाया से क्रोधित थे, इसलिए उसके क्रोध के कारण उन्होंने शनिदेव को श्राप देते हुए कहा, माता के दोष से तुम्हारी दृष्टि में भी क्रूरता भरी रहेगी। यही कारण है कि शनिदेव के क्रोधित हो जाने से हमारा अहित होता रहता है। शीघ्र ही सूर्य संज्ञा को खोजते हुए उनके पिता विश्वकर्मा के घर पहुंच गए। वे जानना चाहते थे आखिरकार उनकी प्रतिमा ने उनका घर क्यों छोड़ा और वह तपस्या क्यों कर रही है। जब सूर्य भगवान विश्वकर्मा जी के घर पहुंचे और उन्होंने पूछा, तब विश्वकर्मा जी ने सूर्य को संज्ञा के उनका तेज न सहन करने और उत्तर कुरु नामक स्थान पर तपस्या करने की बात बताई। साथ ही कहा कि यदि आप चाहे तो आपके प्रकाश को तराश कर कम किया जा सकता है। भगवान सूर्य अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहने को तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने सूर्य की इच्छा पर उनके तेज को वज्र की शान पर खराद कर कम कर दिया। सूर्यदेव की 1000 किरणें शेष रह गई, बाकी सब छांट दी गई, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। भगवान सूर्य ने भी अपना उत्तम रूप प्राप्त करके प्रसन्न मन से अपनी भार्या के दर्शनों की उत्कंठा से तत्काल ही उत्तर कुरु की ओर प्रस्थान किया। जब वह वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा कि उनकी भार्या अश्विनी का रूप धारण कर विचरण कर रही है। भगवान सूर्य अश्व का रूप धारण कर संज्ञा से मिले। अश्विनी घबरा गई कि किसी पर पुरुष ने मेरा स्पर्श न कर लिया हो। अश्वरूपी संज्ञा ने अश्वरूपी सूर्य को पर पुरुष जानकर उनका तेज दोनों नासापुटों से बाहर फेंक दिया, जिससे दोनों अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई, जो देवताओं के वैद्य हुए। सूर्य के तेज के अंतिम अंश से रेवंत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि गुहिको और अश्वों के अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसके बाद भगवान सूर्य ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उसको उस रूप में देखकर संज्ञा अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके बाद सूर्यदेव के साथ आकर रहने लगी। सूर्यदेव को अपनी भार्या संज्ञा सप्तमी के दिन प्राप्त हुई थी। उन्हें दिव्य रूप सप्तमी तिथि को ही मिली संतानें अश्विनी कुमार और रेवंत है, इसलिए भगवान सूर्य को सप्तमी तिथि बहुत ही प्रिय है। ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्य नमः। आज के अध्याय में इतना ही। यदि आपको कथाएं पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करें।